नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरी। मैं आप सभी का होम रेसिपी चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत ही खास और नई स्नैक्स की रेसिपी बना के दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आलू टमाटर का ऐसा टेस्टी पकौड़ा एक बार बनाकर तो देखिए, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पकौड़े के लिए चटनी बना लेंगे। साथ में खाने के लिए नहीं बल्कि पकौड़े में डालने के लिए अभी मैंने मिक्सी के जार में 6 हरी मिर्ची डाली है। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर आपकी मिर्ची तीखी है तो कम डालें। काफ़ी सारा धनिया पत्ता डाल के पुदीने के पत्ते डालेंगे, इससे हमारे पकौड़ों को बढ़िया स्वाद आएगा। इसके बाद डालेंगे 7 से 8 लहसुन और स्वादानुसार नमक। अभी इसे पीस कर लेंगे। इसे पीसते समय बिल्कुल ही थोड़ा पानी डाल के पीस कर ले। ये देखे ऐसी चटनी बनी है। इसको साइड में करके ये मैंने 2 कप बेसन का आटा लिया है। इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और थोड़ी हल्दी पाउडर डाल के इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए घोल बना लेंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे। हम रेगुलर पकौड़े के लिए जैसा घोल बनाते हैं वैसा घोल बनाना है। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ऐसा स्मूथ बैटर बनाया है। अभी क्या करना है, टमाटर को ऐसे स्लाइस में काट के लेना होगा। मैंने ये 4 टमाटर को काट के इतने स्लाइस बना लिए हैं। आगे चल के इसके साथ में हम आलू भी लेंगे। तो अब हम इन स्लाइस के ऊपर हमने शुरू में जो चटनी बनाई थी उस चटनी को इन सभी स्लाइस के ऊपर थोड़ा थोड़ा रख देंगे। ध्यान रखें कि इन पकौड़ों को बनाने के लिए ज़्यादा पके हुए टमाटर ना ले। ये देख लीजिए, इन सभी स्लाइस के ऊपर चटनी लगाने के बाद इसके ऊपर एक एक आलू का स्लाइस रखेंगे, जो कि आलू टमाटर का कॉम्बिनेशन और इसमें रखी हुई चटनी की वजह से ये खाने में आपको स्पाइसी और खट्टा लगेगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखें, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ऐसे आलू का स्लाइस रखते हुए इसमें से एक स्लाइस उठा के स्लाइस को घोल में डिप करेंगे। घोल में सभी स्लाइस एक साथ ना डालें, एक एक स्लाइस को डिप करते हुए तेल में डालते जाएं। इसे फ्राई करते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखें और डीपली फ्राई कर ले। ऐसे उलट पलट कर इनको सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हो कि ये कितना बढ़िया दिखने लगा है और हमारे पकौड़े फ्राई भी हो चुके हैं। मैं इनको निकाल कर लेता हूँ। इन पकौड़ों को खाने के लिए आपको ना किसी चटनी की ना सॉस की ज़रूरत होगी, आप ऐसे ही खा सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।